आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे आप बीच निंदा कानून की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दरअसल ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में मंत्री की ओर से बयान, क्या बयान है वो भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, मुल्क में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक, ख्वाजा की ओर से कहा गया है। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का कत्ल हो रहा है, ख्वाजा ने कहा। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में असफल साबित हो रही है, अल्पसंख्यकों का उतना हक जितना बहुसंख्यकों का, ये बात कही गई है पाकिस्तान में एक मंत्री की ओर से कि वहां पर जो सरकार है वो फेल साबित हो रही है माइनॉरिटीज की सुरक्षा करने में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। और इस बात को खुद शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री ख्वाजा की ओर से कबूला गया है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का कत्ल किया जा रहा है, ख्वाजा की ओर से कहा गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है पाकिस्तान में सरकार अल्पसंख्यकों को। और चलिए आपको बताते हैं ख्वाजा का कबूलनामा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, इस बात को कबूला है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। मजहब के नाम पर हर रोज मजहब के नाम पर कत्ल हो रहे हैं पाकिस्तान में, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, ख्वाजा की ओर से ये बात खुद कबूल की गई है। पाकिस्तान वैश्विक शर्मिंदगी का सामना इस वक्त कर रहा है, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक महफूज नहीं है पाकिस्तान में, हिंसा के कई पीड़ितों पर ईश निंदा का आरोप नहीं है, ख्वाजा की ओर से ये बात कही गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में छोटे मुस्लिम संप्रदाय भी सुरक्षित नहीं है, छोटे मुस्लिम जो संप्रदाय हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी का जिक्र उन्होंने किया, सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में असफल है, ये बात रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा जिनकी ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों का भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है जितना कि बहुसंख्यकों का है। अब ये लाइन ख्वाजा की है या फिर पूरी पार्टी की है, पूरी सरकार की है, जाहिर है ये ख्वाजा की ओर से अभी कबूलनामा सिर्फ किया गया है। अब इस पर देखना होगा पाकिस्तान के जो बाकी नेता हैं वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। बख्शी सर, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, ख्वाजा रक्षा मंत्री वहाँ के खुद मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित नहीं है, सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है। थैंक यू अंजलि, ये बात बिल्कुल क्लियर है, पर ये बात तो बड़ी लेट बोली जा रही है। माइनॉरिटी तो सुरक्षित कभी नहीं थे, अब 22% तो 24% थे माइनॉरिटी इस समय, सॉरी 28% 47 में, और अब आके बिलो 1% आ गए हैं, तो कभी सुरक्षित थे ही नहीं। पर अब जो ख्वाजा मिनिस्टर बोल रहे हैं और ये बड़े ओहदे के हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में अब मनमुटाव आ रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में, मिनिस्टर्स में और आर्मी में, और ये दिखाता है कि पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस जो पाकिस्तान में अभी आ रहा है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को बताता है। और इसमें वाकई सच ये है कि हमारी जो माइनॉरिटीज थी, कोई भी माइनॉरिटी चाहे हिंदू चाहे सिख्स और इवन क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट का तो आपने पहले ही देख लिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल कभी सेफ नहीं थे। और वर्ल्ड बॉडीज और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ लिप सर्विस देती रह गई, इंक्लूडिंग अमेरिका और जितनी ह्यूमन राइट्स की जो बड़ी बॉडीज होती हैं वो भी नहीं कर पाई। हाँ, वो कुछ हालत ने उनके एड को, मॉनिटरी एड को रोकने में वो सफल हुए इंटरनेशनल बॉडीज, पर अब पाकिस्तान को कोई इंटरनल एड, अब मॉनिटरी एड की कोई समस्या नहीं है, सब इलीगल मेथड से आ रहा है जिसको वो दर्शा नहीं सकते, इसलिए पाकिस्तान कंटिन्यू कर रहा है जैसे कि आप देखते हैं। पर पाकिस्तान की एक्चुअल इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, और इस समय जो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग आप देखने को मिल रहा है, वो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में एक बहुत सीरियस
तूल पकड़ेगा, सीरियस रूप धारण करेगा। हमें हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अब इंक्रीज कर देगी और इंटरनल प्रॉब्लम्स इन कश्मीर थ्रू पीओके, ये और विद द हेल्प ऑफ चाइना, मॉनिटरी हेल्प ऑफ चाइना एंड लॉजिस्टिक हेल्प ऑफ चाइना ये करेगी। चाइना पीओके में ऑलरेडी है। हम ये चीजें भूलना नहीं चाहिए कि चाइना हमारे दरवाजे पे है, ईस्ट में और वेस्ट में। ये हमारे को सबसे ज्यादा खतरा है थ्रू पाकिस्तान। जितनी अभी अपहीवल पाकिस्तान में होगी, उतनी समस्या हमारे लिए बढ़ेगी। ठीक है, बख्शिश सर, आप बने रहिए, यूके देवनाथ सर आऊंगी इसके बाद मैं आपके पास। बड़ी खबर एक बता देते हैं इस बीच दर्शकों को, और एक रिपोर्ट के जरिए दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर जल्दी से स्क्रीन पर डालते हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर दरअसल ये है कि ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट में ऐसा दावा, हिंदुओं सिखों का लगातार जबरन धर्मांतरण वहां पर करवाया जाता है, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता है वहां पर, अल्पसंख्यकों के जो पूजा स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, उन्हें टारगेट किया जाता है जानबूझकर, और ये दावा रिपोर्ट में किया गया है। वहां पर जीना लोगों का मुश्किल है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में दावा। साथ ही साथ कहा यह जाता है कि हिंदुओं और सिखों का जबरन वहां पर धर्मांतरण करवाया जाता है, और ये कोई नई समस्या नहीं है, ये बहुत पहले से पाकिस्तान में चला रहा है लगातार अत्याचार अल्पसंख्यकों पर। वहां पर आप समझना आपके लिए मुश्किल होगा कि कितना डर कर दब कर जो माइनॉरिटीज है वहां पर वो रहती हैं, खासतौर पर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें। और वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें भी आपने सुनी होंगी, जब अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, उनकी उनकी जान से उनको मार दिया जाता है, हत्या उनकी कर दी जाती है। यूके देवनाथ सर से अब मेरा सवाल, सर ये कोई नई समस्या नहीं है, तो पहले से ही जैसा कि बख्शी सर ने कहा कि चला आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा भयावह, इसलिए मैं कहूंगी चूंकि वहां पर सरकार में मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, ये जाहिर है पार्टी की तो लाइन नहीं होगी, शहबाज शरीफ तो शायद ही इस बात को स्वीकार करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में दशकों से, शुरुआती दिनों से, 1947 से ही माइनॉरिटीज को बहुत दिक्कत हुई है, और किसी ना किसी तरीके से वहां पर ईश निंदा के नाम पर माइनॉरिटीज को बहुत तंग किया जाता है। पाकिस्तान में बस किसी को एक अफवाह छुड़ानी पड़ती है कि फलाने फलाने सिख ने, हिंदू ने, या अहमदिया या बहाई या पारसी ने, और तो और उनके हम सोचते हैं मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ सुन्नी डोमिनेंट है, तो शियाज को भी टॉर्चर किया जाता है। एक अफवाह वाला देते हैं कि फलाने फलाने शिया ने फलाने फलाने गांव में एक कुरान को पन्ना फाड़ दिया। अब क्या होता है, वहाँ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत नींद में चली जाती है, किसी को भी रोकती नहीं है, और ये दंगाई जो है ये तुरंत आकर उसके घर को जला देते हैं, उसको भी पकड़ के उल्टा लटका देते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। एक और चीज जो है कि वहां पे जो जमीन की माफिया है पाकिस्तान में, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जैसे ही इनको किसी अल्पसंख्यक समुदाय के घर के घर को या उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना होता है, ये तुरंत अफवाह फैला देते हैं कि उसने कुरान की तौहीन कर दी है। तो ये पाकिस्तान में कुछ अजीब सा माहौल है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की पुलिस, आईएसआई, आर्मी भी इसको नहीं रोक पाई है। वो ड्रामा करते हैं बीच बीच में, उन्होंने एक टोकन नेशनल असेंबलीज में 10 जो अपने एमपी एमएलए की जगह है वो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए छोड़ दी है। अब आप देखिए उनके नेशनल असेंबली में जो ये 10 बेचारे अल्पसंख्यक होते हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई इनकी बात नहीं सुनता, कोई पुलिस इनकी बात नहीं सुनती, और तो और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जानती है कि ऐसे वाले मामलों में उनको पढ़ना ही नहीं है। तो अब एक अच्छी चीज ये हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है आस्ते आस्ते पाकिस्तान की इन दोगली नीतियों को पहचान रहा है।